औरैया में एक बच्ची घर से सुबह शौच के लिए निकली, लेकिन वो लौट कर घर नहीं आई। परिवार को चिंता हुई तो उन्होंने उसे खोजना शुरू किया। वो बच्ची मिली, खेत में पड़ी थी। सामने जो मंजर था वो वाकई भयानक था। उस बच्ची के शरीर पे कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक दुपट्टा था जो गले में फांसी की तरह लपेटा हुआ था। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। बीते दिनों औरैया में एक और ऐसी घटना हो गई जिससे पूरा शहर खौफजदा है। यहां दिव्यापुर के एक गांव में रहने वाली बच्ची के साथ वो अनहोनी हुई जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले यहां एक बच्चे की टीचर के मारने से मौत हुई थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ और धारा 144 लागू कर दी गई, और अब इस मामले ने लोगों को फिर से आक्रोशित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतका के पिता एक किसान है। मृतका नाबालिग है जो अपने माता पिता के साथ रहती है। सुबह वो खेत में शौच के लिए गई थी, लेकिन एक घंटे बीत जाने पर भी वापस नहीं लौटी। पिता खेत से काम करके आए तो उन्होंने बच्ची को घर में ना पा करके थोड़ी सी चिंता जताई। परिवार उसे खोजने निकल गया। घर से करीब 500 मीटर दूरी पर बाजरे के खेत में उसका बेजान शरीर पड़ा मिला। गले में एक दुपट्टा लिपटा था, मानो उसका गला घोट दिया गया हो। परिवार ऐसा मंजर देखकर बदहवास हो गया। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि 7:30 बजे ये शौच करने गई थी, जब एक घंटे तक लौट के नहीं आई तो उन्होंने तलाश किया तो एक बाजरे के खेत में इसकी बॉडी मिली है, और तत्काल मौके पर थाने की टीम, फॉरेंसिक टीम, मैं और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स गए हैं। मौका मुआयना कर लिया गया है, बॉडी को भी देख लिया गया है। प्राइमा फेसाई, कोई जाहिरा चोट उसमें दर्शित नहीं हो रही है, और बाकी जो भी पीड़ित परिवार को शक है कि इसके साथ रेप और मर्डर किया गया है, इसमें सभी आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और पैनल में पोस्टमार्टम कराने के लिए, वीडियोग्राफ पोस्टमार्टम कराने के लिए बात कर ली है। शीघ्र पोस्टमार्टम करा के तहरीर, जिस पर भी यदि शक है, वैसे शक जाहिर नहीं किया जा रहा है किसी पर भी। परिवार का कहना है कि किसी से फ़ोन पर बात नहीं करते थे, घर में एक ही फ़ोन था, तो जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे अभी पंजीकृत किया जाएगा। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरे स्तर से 10 टीम बना दी गई है, जिसमें SOG को और सर्विलांस को, पता रशी सुराग ऋषि के लिए भी, और थाने से भी टीम्स लगाई गई हैं। मामले की तफ्तीश शुरू की गई। SP ने खुद मौके का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि जिस जगह बच्ची का शव मिला है वहां काफी मात्रा में बाजरा टूटा हुआ है और जमीन की मिट्टी भी हटी हुई है। परिवार को शक है कि उस मासूम के साथ पहले बलात्कार किया गया है और फिर उसे वहीं पर खत्म कर दिया गया। SP ने इस मामले की जाँच के लिए 10 टीमों का गठन किया है। वहीं DM, अपर पुलिस अधीक्षक, CO सहित तमाम अधिकारी इस मामले की जाँच कर रहे हैं। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज प्रशांत कुमार भी पहुंचे। उन्होंने मौकाए वारदात का मुआयना करते हुए परिवार से मुलाकात की और ढांढस बंधाते हुए उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ कपिल पोरवाल ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।